हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल न्यू ट्रेंड्स विद सोनम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एम्ब्रॉयडरी वाली शिफॉन की साड़ियाँ। जो शिफॉन की साड़ियों का कलेक्शन मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि शिफॉन की साड़ियाँ जो होती हैं वो पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती हैं। इनका कपड़ा एकदम लूज होता है, एकदम स्मूथ होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का शिफॉन लेते हैं तो ये बहुत ही ड्यूरेबल भी होता है, बहुत लंबे टाइम चलता भी है। और इसके साथ में जैसे एम्ब्रॉयडरी होती है थोड़ी बहुत, तो ये एकदम पार्टी वेयर और एकदम बहुत ही ग्लैमरस लुक देती हैं शिफॉन की साड़ियाँ, क्योंकि हम इनको स्टाइलिश किसी भी तरह से वेयर कर सकते हैं, किसी भी तरह के ब्लाउज़ के साथ वेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही स्टाइलिश ब्लाउज़ के साथ अगर हम इन साड़ियों को वेयर करते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। ये जो शिफॉन की साड़ियों का कलेक्शन आपको दिखा रही हूँ, आप देख रहे हैं, इनके ऊपर प्राइस मैंने मेंशन किया हुआ है। ये जितने की भी साड़ियाँ हैं, और ये सारी साड़ियाँ मैंने अमेज़ोन से ली हुई हैं। तो आप जो है अमेज़ोन पर जाकर अगर एम्ब्रॉयडरी शिफॉन साड़ी लिखेंगे तो ये सारी साड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर, और प्राइस भी मेंशन है। तो आप पहले भी देख सकते हैं कि आपको कौन सी साड़ी परचेस करनी है अमेज़ोन से, कौन सी नहीं करनी है। और जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन लेकर आई हूँ। जैसे कि ये केवल ब्रॉड बॉर्डर के साथ में है, ये ब्रॉड बॉर्डर के साथ में सिंपल टाइप की साड़ी है और धागा वर्क था इसमें। खाली बॉर्डर वाली साड़ियाँ हैं ये बॉर्डर के साथ में। ये साड़ियाँ कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप देख ही सकते हैं। ये देखिए, ये एक जो साड़ी है सिंपल है, थोड़ा बहुत धागा वर्क है, ये बहुत खूबसूरत लगती हैं। इस टाइप की साड़ियाँ जब हम पहन कर जाते हैं, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये साड़ी। और जैसे ये तो पूरी पार्टी वेयर शादी की साड़ी है, हैवी साड़ी है। इस तरह से शिफॉन पे जो हैवी वर्क होता है वो बहुत ही अच्छी लगती है और पहनने में बहुत कम्फर्टेबल होती है। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ में शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।